एक्शन की। या दोस्तों आपको पता ही होगा कि एक्शन शब्द कितने काम का फाइल है। फोटोशॉप CS3 हो, चाहे CS2 हो, CS4 हो, CS6 हो, या CS हो, या फिर एडोब फोटोशॉप 7 हो, तो ये सभी में वर्क करेगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हम किस प्रकार से एक्शन फाइल का निर्माण करें, इसमें हमको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना पड़ता है, A to Z प्रोसेस। तो वीडियो मत छोड़ के जाइएगा क्योंकि बाद में आपको समझ नहीं आएगा, तो वीडियो पूरा देखें। तो चलिए फिर फटाफट कुछ नया करते हैं और तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो गाइस सबसे पहला आपको एक्शन फाइल इसमें लाना का है, तो मैं आज आपको इसको CS3 में करके दिखाने वाला हूँ कि हम किस प्रकार से एक्शन फाइल का निर्माण करें। आप जिसमें भी करना चाहे उसमें कर सकते हैं बड़ी आसानी से वीडियो पूरा देखने के बाद। वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है विंडो में। विंडो में जाने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना, देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक्शन फाइल। तो एक बार यहाँ पर एक्शन में क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर शॉर्टकट की Alt+9 के द्वारा भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो जैसे आप एक्शन में क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक एक्शन का फाइल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर राइट कॉर्नर में यहाँ पर आपको एक्शन का ग्राफ दिखने को मिल जाएगा। इसको बाहर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्शन में जाना है यहाँ से इस प्रकार से, और इसको पकड़ करके इसको उठा करके नीचे लाके छोड़ देना, तो अलग से ये फोल्डर टाइप का बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा एक्शन यहाँ पर आ चुका है। अब हमको क्या करना है, हमको हमारा जो भी फाइल में एक्शन जो क्रिएट करना है उसको हमको लाना होगा। एक्शन का मतलब आप समझ लीजिए, पहले एक्शन जो हम काम अभी कर रहे हैं उसको रिकॉर्डिंग करना है, और बाद में हम कोई भी फाइल ओपन करें तो उसमें जो काम किए हैं उसको हमको पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट। जो हम जैसा काम किए वैसा काम वो रिकॉर्ड हो जाता है, तो हमारे जो अगला फाइल जो ओपन करते हैं उसी प्रकार से वो कार्य करता है। एक्शन का फाइल का मतलब यही होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 5 फाइल ले आते हैं, तो आज मैं श्रम कार्ड में आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप इसका उपयोग किसी में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जिसका भी बनाना चाहे आराम से बना सकते हैं। लेकिन हाँ, जो टेक्निक मैं आपको समझाने वाला हूँ थोड़ा आप उसको ध्यान से समझिएगा। तो चलिए मैं 5 फाइल ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो जैसे आप फाइल ओपन करते हो तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ता है DPI। क्या दोस्तों? DPI। जिस DPI में आप वर्क करोगे आपका एक्शन उसी DPI में ही वर्क करेगा। जरा से भी उसके हाइट वेट या DPI में अंतर होगा तो आपका एक्शन फाइल वर्क नहीं करेगा, इतना आप ख्याल करोगे। तो सबसे पहले चलो हम इसका DPI चेक कर लेते हैं। इमेज में जाना इस प्रकार से, और यहाँ देख सकते हैं 300 DPI है, और यहाँ पर 1630 और 1800 इसका हाइट वेट यहाँ पर दिख रहा है, इस प्रकार से पिक्सल में है। तो आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा चेक हो चुका, तो सभी ऑर्डर 5 फाइल आ चुकी है। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर हमको एक एक्शन क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हमारा एक्शन का फोल्डर इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं बना हुआ है। तो अब आपको यहाँ पर जाना है, ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर आपको 3 डॉट मिल जाएगा, इसमें एक बार आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते नीचे देख सकते हैं ये यहाँ पर न्यू एक्शन में नहीं जाना है आपको, उसके नीचे देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा न्यू सेट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें एक बार आपको क्लिक करना है। और क्या नाम देना चाहते हैं आप इसको टाइप कर लेंगे, जो भी आप नाम देना चाहते हैं अपने एक्शन का, इसको आपको ओके करना है। ओके करते यहाँ पर एक फोल्डर रेडी हो जाएगा बंद करके। ठीक है, तो आपको इसको कुछ भी नहीं करना है। अब आपको नीचे आना है, नीचे देख सकते हैं यहाँ पर क्रिएट न्यू सेट का एक्शन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इसको एक बार आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार से एक और नया डैशबोर्ड खुल के सामने आ जाएगा। तो आप किस नाम से एक्शन की चाहते हैं यहाँ पर आप टाइप कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप कोई भी बटन सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर F7 सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप शिफ्ट कंट्रोल भी सिलेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, यहाँ से अपना कलर भी सिलेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद आप जैसे रिकॉर्डिंग में क्लिक करोगे आपका रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग हो जाएगा, उसके बाद जो भी कार्य करोगे वह रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग कर देगा। तो चलिए हम रिकॉर्डिंग क्लिक करते हैं, हमारा रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग हो चुका है। तो जो भी अब कार्य करेंगे वहाँ से रिकॉर्डिंग होना शुरू होगा। तो सबसे पहले हमको एक न्यू फोल्डर लाना होगा, न्यू पेज यहाँ पर क्रिएट करना होगा। तो आप शॉर्टकट की का उपयोग बिल्कुल भी ना करें, इतना थोड़ा ख्याल रखेंगे क्योंकि किसी किसी में यह वर्क नहीं करता। तो आप बिल्कुल फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे। यदि आपका फाइल पहले से सेलेक्ट हो फिर भी आपको पूरा प्रोसेस करना ही करना है। इसमें इंटरनेशनल में जाएंगे, आपके में अलग अलग हो सकता है। यहाँ से A4 में सेलेक्ट करेंगे, इसको मिटा करके फिर से एक बार 300 DPI कर देते हैं। हाइट वेट को सबको देख लेना है, फिर हम करेंगे ओके। देख सकते हैं यहाँ पर मेक यानी हमारा ये कार्य करना शुरू कर दिया। यहाँ पर मेक नया फोल्डर बन चुका है, इसको यहाँ साइड में रखते हैं। इसको मूव टूल में जाएंगे, यहाँ से सिलेक्शन में जाएंगे, सिलेक्शन को क्लिक करेंगे और इसको भी क्लिक करेंगे और इसको हम एक सेलेक्ट कर लेंगे, एक कार्ड के ऊपर वाले हिस्से को सिलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से। और इसको फिर मूव टूल में फिर सेलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे, कॉपी में करेंगे, यहाँ इसको पहले वाले फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ वापस आएंगे और इसको पेस्ट करेंगे। याद रहे आप शॉर्टकट की का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करोगे। तो चलिए इसको हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से एक लाइन रूलर बार से ले आएंगे। यदि आपके बार में रूलर बार शो नहीं करता तो Ctrl+R प्रेस करें, ऑटोमेटिक से रूलर आ जाएगा। सेलेक्ट कर इस प्रकार से इसको यहाँ पर सेट कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कार्ड का साइज क्या होता है, 8.5 mm का होता है और इंच में 3.3 इंच का होता है। तो चलिए इसको हम बड़ा करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, और एक लाइन लाकर यहाँ पर 8.5 इस प्रकार से थोड़ा सा रख देंगे। अब इसको हम शिफ्ट बटन के साथ इस प्रकार से छोटा करके यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, हो गया। अब यहाँ से एक लाइन और ला के नीचे रखेंगे,
इसको यहाँ पर साइड में रखेंगे और एक लाइन यहाँ से फिर लाकर इस प्रकार से रखेंगे। अब इधर भी ध्यान दीजिएगा, राइट कॉर्नर में जो आप वर्क कर रहे हो यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए हम इसको वापस छोटा करते हैं थोड़ा सा, इसको पकड़ के नीचे लाए और इस प्रकार से एक लाइन फिर रख दिए, फिर इसको नीचे लाए एक लाइन, यहाँ से आपको फिर से नीचे रखना है। इस प्रकार से आपको 5 ग्राफ पहले तैयार करना है, फिर से नीचे रखे, फिर एक लाइन लाए, फिर रख दिए, रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक देख सकते हैं यहाँ पर ऑन है रिकॉर्डिंग, यहाँ से फिर रख दिए और एक लाइन ला करके फिर रख दिए, अपना 5 ग्राफ हो गया कम्प्लीट। देख सकते हैं 1 2 3 4 5, तो ऊपर वाले को हम फर्स्ट में इस प्रकार से रख देंगे, यहाँ छोड़ दिए, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा करते हैं और अब इसी में क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर सिलेक्शन में जाएंगे और नीचे वाले भाग को इस प्रकार से क्या करना है आपको सेलेक्ट करना है। मूव टूल में क्लिक किए, ऑडिट में गए, कॉपी किए, ये वाले को सिलेक्ट किए, फिर से ऑडिट में गए, पेस्ट किए, इस प्रकार से करना है आपको। शॉर्टकट की उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। शिफ्ट के साथ इसको यहाँ पर सेट कर दिए, डबल क्लिक करना अनिवार्य है। पहला वाला काम हो गया है तो इसको हम थोड़ा सा नीचे रख देंगे। अब ऊपर वाले को आपको क्लिक करना है, सिलेक्शन में गए, फिर से ऊपर वाले को सिलेक्ट किए, मूव टूल में क्लिक किए, ऑडिट में गए, कॉपी किए, दूसरे फाइल को सिलेक्ट किए, फिर से ऑडिट में गए, पेस्ट कर दिए, आ गया। इसको भी यहाँ रख दिए, शिफ्ट की मदद से इसको हम सेट कर लिए, डबल क्लिक करना अनिवार्य है। फिर इसी फाइल में आते हैं, थोड़ा सा ऊपर उठा लेता हूँ इसको मैं, सिलेक्शन में क्लिक किए, इसको नीचे वाले भाग को आपको सिलेक्ट करना है, मूव टूल को क्लिक करना है, एडिट में जाना है, इसको कॉपी करना है, इस वाले फाइल को सिलेक्ट किए, एडिट में गए, फिर से पेस्ट किए, आ चुका है। इस प्रकार से इसको भी हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। आपको शॉर्टकट की उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, इतना ख्याल रखेंगे। इसको भी डबल क्लिक किए, आती है कि हमारा वर्क कर रहा है या नहीं, पूरे काम करने के बाद चेक करें ये तो अच्छी बात नहीं है। तो चलो हम बीच बीच में चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर से इसको री स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब री रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ये सुविधा इसमें होता है। तो हम इसको स्टॉप कर लेते हैं, यहाँ से स्टॉप कर लिए, स्टॉप कर दिए, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, तो इसको मैं सेव में नो करता हूँ। तो यहाँ चलिए ऊपर चलते हैं, यहाँ इस तरह F7 हम सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर F7 का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से मैं प्ले बटन उपयोग कर रहा हूँ। तो चलिए मैं प्ले में क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, देखते हैं हमारा एक्शन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको कुछ देर इंतजार करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एक्शन बिल्कुल भी वर्क कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, आप जैसे आप यहाँ से हम खत्म किए थे यहाँ से, तो यहाँ पर नीचे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर से यहाँ जो है आपको यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, फिर से एक बार आपको इसको क्लिक करना है। तो रिकॉर्डिंग हमारा फिर से क्या हो गया, स्टार्टिंग हो गया। तो हमारा 2 ग्राफ हो गया था, तो 2 ग्राफ हम यहाँ से क्या करेंगे, नीचे कर देंगे 1 ग्राफ और ये 2 ग्राफ। हम तीसरे ग्राफ में चलते हैं, मेरा सभी में एक ही फोटो है, तो आप उसमें टेंशन ना लें, आप 5 फाइल लेंगे तो वो तभी काम करेगा, और सब का DPI देख लेंगे। यहाँ सेलेक्ट किए, मूव टूल में क्लिक किए, एडिट में गए, कॉपी किए, इसको सिलेक्शन को इसको सेलेक्ट किए, फिर से एडिट में गए, पेस्ट किए, यहाँ से इसको सेट कर दिए। तो इस प्रकार से आप जिसका भी एक्शन फाइल बनाना चाहे बड़ी आसानी से एक्शन फाइल बना सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको ख्याल रहे, आप जो चीज कर रहे हो वह केवल रिकॉर्डिंग होगा, तो आप दूसरे फाइल में भी वर्क कराना चाहते हो तो उसका DPI और साइज जो है सेम होना चाहिए, तभी वह उसमें वर्क करेगा, अन्यथा वह वर्क नहीं करेगा। पासपोर्ट साइज फोटो में भी कर सकते हैं, स्मार्ट कार्ड के लिए भी बना सकते हैं, बड़ी आसान चीज है। आप एक दो बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, आराम से हो जाएगा। आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जरूरत नहीं है कि आप एक साथ लंबा रिकॉर्डिंग करें, क्योंकि ज्यादा समय आपका बर्बाद ना हो, तो आप इसको छोटा छोटा ही रिकॉर्डिंग करें। तो चलिए मैं इस प्रकार सबको फटाफट करके आपको लास्ट टाइम दिखाता हूँ। हाँ, हो सकता है आपको वीडियो ज्यादा लंबा लगे, लेकिन यकीन मानिए मैं इसमें आपको पूरा A to Z प्रोसेस दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए, आपका जरा सा भी मिस्टेक ना हो और आपका फाइल बन के रेडी हो जाए। एक्शन फाइल का मतलब यही होता है कि आप उसको रिकॉर्डिंग करें, किस प्रकार से रिकॉर्डिंग करेंगे और उसी प्रकार से रिकॉर्डिंग होकर आपको नेक्स्ट फाइल में वर्क करके देगा। इस श्रम कार्ड बन के रेडी है। यहाँ से अब चलो हम यहाँ से स्टॉप पे क्लिक करते हैं, स्टॉप कर दिए, ठीक है। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और इसको सेव नो, और सभी को एक बार क्या करता हूँ, पूरा सबको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। सबको क्लोज किए, इसको भी क्लोज, इसको भी क्लोज, और पूरा फोटो सब एक बार मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से मैं लास्ट टाइम आपको दिखाने वाला हूँ कि आप उसको सेव करके अपने फोल्डर में कैसे सेव करोगे, ये चीज भी आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए फिर वापस मैं अपना CS3 ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि आप इस प्रकार से फाइल बनाकर दूसरे व्यक्ति को भी कैसे शेयर कर सकते हो, तो वीडियो पूरा देखें। तो चलिए अब सबसे पहले हम यहाँ पर 5 फाइल ले आते हैं, आप कहीं से भी 5 फाइल ले आइए। तो जब भी आप फाइल ओपन करें, जो PDF है या फिर जो भी जिसमें भी आप वर्क करना चाहते हैं, जिसमें एक्सेल फाइल बनाए हैं, याद रहे उसका DPI हाइट और वेट यानी कि लंबाई चौड़ाई सेम रहे, ठीक है। इस प्रकार से आ चुका है, तो यहाँ से मैं इसको आगे करता हूँ और यहाँ से श्रम कार्ड में क्लिक करता हूँ और अपने कीबोर्ड पर कुछ भी नहीं करता, चलो मैं F7 प्रेस करता हूँ, देखते हैं हमको बनाकर ये देता है या नहीं देता है। बस थोड़ा सा इंतजार करना होता है, देखते हैं लास्ट में हम रिजल्ट क्या निकलता है।
आप छोटा छोटा ही रिकॉर्डिंग करें, बड़ा बड़ा रिकॉर्डिंग ना करें। हो सकता है आप एक बार में फेल हो जाए, दो बार में फेल हो जाए, छोटा छोटा रिकॉर्डिंग करें। जब आप एक फाइल सेट हो जाएगा तो उस प्रकार से सारे फाइल अपनाएं ताकि ऑटोमेटिक सेट हो जाए। तो देख सकते हैं हमारा फाइल ये 5 फाइल बन के रेडी है, बिल्कुल भी फर्क कर रहा है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप इसको फाइल में सेव करो। तो अब इसको मैं बीच में ले आया, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले ऊपर जो हमें फोल्डर वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक फोल्डर वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला। तो इसको आप क्लिक करना है कि जो आपने पहला पर जो नाम दिया था उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ आपको जाना है 3 डॉट पे, फिर देख सकते हैं यहाँ पर 3 डॉट आपको मिल जाएगा। इसमें एक बार क्लिक करना है और इसी में नीचे आना है, सेव एक्शन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको एक बार आपको क्लिक करना है। और जहाँ पर भी आप रखना चाहते हैं, जैसे इसको मैं डेस्कटॉप में रखना चाहता हूँ इसी नाम से, कुछ भी नहीं करता, इसको मैं सेव कर दिया, ठीक है। अब इसको यहाँ मैं क्लिक किया, इसको मैं चलो यहाँ से क्या कर देता हूँ, यहाँ से मैं आपको डिलीट करके भी दिखा दूँ, यहाँ से ये डिलीट, ओके देख सकते हैं, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, जो भी सेट है पूरा डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया, इसको भी मैं क्लोज कर दिया, इसको भी मैं क्लोज कर दिया, चलो ओके। ये फाइल को रहने देते हैं, फिर से जाते हैं यहाँ पर विंडो में जाएंगे, यहाँ से एक्शन सेलेक्ट करेंगे, एक्शन आ चुका है, यहाँ पर हमारा फाइल 0 है, ठीक है। यहाँ से 3 डॉट में गए और यहाँ देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिल जाएगा लोड एक्शन का, इसको एक बार आपको क्लिक करना है तो ये फाइल खुल जाएगा। यहाँ से क्लिक किए देख सकते हैं, वापस लोड में क्लिक किए, ये अब हमारा एक्शन यहाँ पर आ चुका है, देख सकते हैं आ चुका है। इसमें क्लिक किए, अब क्या करना है, F7 प्रेस करना है, या फिर ये नीचे देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, प्ले बटन का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ से चलो इस नाम से क्लिक किए और मैं F7 प्रेस कर रहा हूँ, तो जो फाइल हमने बनाकर रखा था रेडी हो चुका है। यह फाइल मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, आप इसको निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, कोई टेंशन लेने का नहीं है। यदि आपको नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ ये आपको पूरी फाइल में मिल जाएगा, वहाँ से बिल्कुल आसानी से इसको ले सकते हैं। तो गाइस वीडियो के संबंध में किसी भी प्रकार से शिकायत हो जाओ तो आप हमें कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें आगे और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार से नए नए टॉपिक में वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, सी यू सून।